कुवैत में प्रवासियों की अगस्त में एंट्री शुरू तो हो गई है, लेकिन इंटरेस्ट इतना नहीं है प्रवासियों का कुवैत में एंट्री करने के लिए, क्योंकि कुवैत में अभी भी एंट्री शुरू होने के बाद इतने लोग एंटर नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो यूरोपियन कंट्रियों के और अरबी कंट्रियों के लोग एंटर कर रहे हैं कुवैत में, एशियन कंट्रियों के लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और प्रॉब्लम कुछ और भी है जिनमें वैक्सीनेशन कम्प्लीट नहीं है कई लोगों का। दूसरी जो बात है कि कुवैत के अंदर अभी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आ रही इन एशियन कंट्रियों से, जो 4-5 कंट्रियां हैं इनसे। एक मेन वजह और भी हो सकती है क्योंकि कुवैत में आने के लिए इन 5 कंट्रियों से अभी टिकट की प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। हो सकता है कि जो कंट्री से वाया वाली कंट्री में जाते हैं वहाँ कम हो, लेकिन वाया से जो कुवैत में एंटर करेंगे उन फ्लाइट्स की टिकटें सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इन वाया कंट्रियों से, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट से लाए जाएंगे इनको, और इनमें 390 केडी इंडिया से जो बिल सलामा प्लेटफॉर्म के ज़रिए लाए जाएंगे। बाकी फिलीपींस से 490 केडी है, उनको भी बिल सलामा डायरेक्ट फ्लाइट से ही लाए जाएंगे। कुवैत में खादम की कमी बहुत ही ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो कुवैत के लिए और भी ऐसी 48 कंट्रियां हैं जो कुवैत के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देती है। 9 यूरोपियन कंट्रियां हैं, 3 ऑस्ट्रेलियन कंट्रियां हैं और उसकी पड़ोसी कंट्रियां हैं, 6 एशियाई कंट्रियां हैं, 4 अफ्रीकी कंट्रियां हैं, 12 अमेरिकी और इसमें 14 दूसरी कंट्रियां शामिल है जो कुवैत को वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा अभी भी दे रही है। बाकी ऐसी बहुत सी दूसरी कंट्रियाँ हैं जिनमें पहले वीज़ा लेने के बाद ही एंट्री मिलती है कुवैत को। कुवैत में अगस्त के पहले दिन जो लोग आए थे काफ़ी लंबे टाइम से अपनी फैमिलियों को मिले थे, उनके चेहरे पर मुस्कान और उनके आंसू देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।